हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका टर्टल है उसको क्यों ज़रूरत है बास करने की आउटसाइड। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपने टर्टल को सिर्फ एक्वेरियम में रखेंगे तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो आपका कछुआ है वो एक्वेरियम में ही नहीं रह सकता। उसको एक जगह चाहिए, एक बहुत बड़ी जगह चाहिए जिसमें आराम से रह ले। तो अगर आप बड़ी जगह उसे नहीं दे सकते तो मेरी यही चीज़ है कि आप उसे खरीदें ही ना, क्योंकि अगर आप उसे बिना बात खरीद लेंगे, बड़ी जगह नहीं देंगे, तो बेकार में उसका नुकसान हो जाएगा और मर भी सकता है, ठीक है। और अगर बड़ी जगह नहीं मिली तो कम से कम इतनी जगह तो दे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतनी बड़ी जगह तो चाहिए ही चाहिए जिसमें आराम से एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि अभी सर्दी है पर यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है छत पे, टेरेस पे, कि आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बीच बीच में से पानी भी दे देता हूँ। अभी ये मस्त बास्किंग कर रहे हैं, खूब सनलाइट ले रहे हैं मस्त मज़े से, ये देखो। चलो, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा कछुआ है बहुत ही इंजॉय कर रहा है, और आज मैं उसी के ऊपर वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, वो अभी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। वो अपने आप छाया में चला जाता है, अपने आप धूप में आ जाता है। तो यूवीवी लाइट से इतना मज़ा नहीं है यार जितना आप अपने कछुए को प्योर सनलाइट दे रहे हैं, क्योंकि जो सनलाइट है ना अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ये देखो, अभी मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि जो मेरा पढ़ाई का सिलेबस है उसे मेरे को पूरा कवर करना था। तो मैं अपना जो पढ़ाई का सिलेबस है वो पूरा कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे बहुत मतलब एंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरी की पूरी, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है, खूब खेल सकता है। तो प्लीज़ आप एक काम करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा जिससे मेरा जो चैनल है वो बढ़े। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे टर्टल को, एक्चुअली इसका नाम शेरू है, शेरू एक्चुअली ही इज़ नॉट डॉग, सो ये सुनता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टर्टल कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, और बीच बीच में मैं उसको पानी भी दे रहा हूँ। सो आप अपने टर्टल को एक्वेरियम में नहीं रख सकते हो, मछलियों की तरह नहीं है। और हाँ, यहाँ तक कि मेरी बात थी कि मैं मछलियाँ लाऊंगा, हाँ मैं मौली फिशेज लाऊंगा, पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं खाने के लिए ला रहा था, पर अब मैं ऐसे को बिल्कुल भी मछलियाँ खिलवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पैसों की मछलियाँ लाऊं और फिर उन बेचारे को पाप भी लगवाऊं, ठीक है। ये मतलब साइंस की भी बात होती है कि खिलवा दो, ऐसी कोई बात नहीं, पर यार मेरे से नहीं हो सकता कि मैं किसी को लाऊं और फिर ऐसा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने कछुए की के लिए मछलियाँ लाऊँगा, पर सिर्फ उसकी इन्जॉयमेंट के लिए लाऊँगा, और जो मछलियाँ उनको भी अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूँगा ताकि ये अकेला ना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक ये बहुत लंबा मतलब वो टेरेस को कवर कर चुका है, अभी और भी आगे टेरेस बची है। ये बहुत ही ज़्यादा खुश है इस टाइम, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया धूप मिल रही है, छाया भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, बहुत सही लग रहा है इसको। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। कुछ लोग कहते हैं ना हमारा टर्टल भाई एक्टिव नहीं हो रहा है, हमारा टर्टल बैठा हुआ है, चलता नहीं है बिल्कुल, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। इसलिए ही है क्योंकि जो आप अपने टर्टल को ना अच्छी तरीके से मतलब बास नहीं देते आउटसाइड, बस एक्वेरियम में ही रखते हो। रखो तो ऐसे रखो कछुओं को ताकि घूम सके, थोड़ा एक्सप्लोर कर सके, जैसे मेरा टर्टल कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल बैठा हुआ है मेरा कछुआ, नहीं चल रहा है, सही है। इसलिए एक और बात कि जब भी आप अपने कछुओं को मतलब बास करवाओ बाहर की तरफ, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आपके कछुए हैं उनको सेफ्टी चाहिए ईगल से। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये देखो, मतलब इसके साथ साथ ही घूमते रहो तो ऐसे ऐसे सही लग रहेगा, ठीक है, आपके कछुए के लिए। ये देखिए कितने एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम, ये बहुत ही ये बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा है अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आराम से चल रहा है, मतलब अगर मेन बेसिक यही मेरी वीडियो का था कि जो आप आपके कछुए हैं उनको बिल्कुल भी एक्वेरियम में मत रखो, प्लस मतलब बिल्कुल भी नहीं, गर्मी के टाइम में रख सकते हो क्योंकि उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। सर्दियों के टाइम में ज़्यादा एक्वेरियम में रख सकते हो, पर उनको बाहर बास्किंग आउटसाइड दिया करो महीने में। मैं तो हफ्ते हफ्ते में देता रहता हूँ, दिन दिन में देता रहता हूँ। यहाँ पे जो मेरा टर्टल है वो बहुत ही मेरे से खुश है और मतलब अच्छे तरीके से बास कर रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी है जो उसके साथ खेलते रहते हैं, उसकी देखभाल करते रहते हैं। तो छत पे अगर आपके दोस्त या फिर बच्चे हो तो उनको भी कह दीजिए कि मतलब वो आपके टर्टल की सेफ्टी रखे, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर नहीं रख पा रहे या फिर छत पे वैसे ही टहल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उनके साथ होना चाहिए जो उनकी सेफ्टी रखे, कि वो कभी गिर ना जाए कहीं से छत से, या फिर मतलब कोई उनको ईगल वीगल उठा के ना ले जाए। इसलिए बहुत सारे मेरे पास भी बच्चे हैं, मैं दिखाता हूँ, मतलब मेरे दोस्त ही मान लो। व्हाट इज़ योर नेम? जतिन। जतिन, ओके, ही इज़ ऑल्सो ऑफ माई फ्रेंड एंड
यहाँ पे छत पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे टर्टल को बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हैं, और मेरा टर्टल भी उनके पास आने की कोशिश करता है, खैर क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ना। ओके जतिन प्लीज सिट सिट हियर बैठो। हाँ ये देखो अभी ये जतिन इसको हैंडल करेगा, पकड़ो जतिन इसे। ये देखो बच्चा बच्चा भी जानता है कैसे आराम से पकड़ना इसको, है ना जतिन? हाँ जी। हाँ छोड़ दो अब इसे, ये देखो मतलब बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होता, ठीक है? और मतलब जैसे कि दूसरे टर्टल होते हैं ना कि वो इरिटेट होते हैं ज़्यादा पकड़ने से, मेरा टर्टल बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इसे पता है अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, भाई सब ठीक है। चलो आज की वीडियो इतनी थी, बाकी मैं आपको वैसे ही आउटसाइड बास्किंग दिखा देता हूँ अपने टर्टल को, टर्टल की कि वो कितना इन्जॉय कर रहे हैं। बाकी अगर आपको कभी टाइम मिले तो ठीक है, वरना कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रखो अपने टर्टल को, देख लो आप बास्किंग क्यों जे भी होना चाहिए ना थोड़ा सनलाइट में बास्किंग टर्टल का, है ना? ये देखो कितना मोटा लग रहा था अभी ऐसे। हाँ अरे वीडियो बन और बड़ा भी लग रहा। हाँ मैं जूम कर रहा हूँ ना, आ जाओ साथ साथ चलो टर्टल के। ओके इधर ले आओ जेवी उसे। सो जेवी क्या कहना चाहोगे आप? ये जो कछुआ है जो ये बहुत मस्ती कर रहा है। हाँ और ये घूम फिर रहा है। हाँ मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मतलब एंजॉय कर रहा है ना। तो क्या नाम है इस कछुए का? मैंने बताया था मेरे कछुए का क्या नाम है। हाँ शेरू सिंह, शेरू सिंह, ओ शेरू सिंह, शेरू सिंह। मतलब ऐसे हम ज़्यादा इसको छेड़ते भी नहीं नहीं है ना जतिन? हाँ क्योंकि ज़्यादा भी नहीं छेड़ना चाहिए इनको, और देखो कितने मज़े से कर रहे हैं, पर थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए ना जतिन इनका कि कुछ खाए ना इधर उधर का। ये देखो कितना मस्त बास्किंग कर रहा है यार, थोड़ी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि यार मेरा चैनल बड़े या ना बड़े आगे पर मेरे को इतना ज़रूर है कि कछुए तुम्हारे मर ना जाए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना जतिन? ये देखो बाकी सब लोग का है, बाकी सब नीचे, नीचे हाँ। चलो एक बारी चले नीचे, आ जाओ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, और फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं और उनको अपने टर्टल से मिलवा रहे हैं, सो लेट्स गो। सो हेयर इज़ भारती एंड शी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट माई टर्टल, बिकॉज ये भी मेरे टर्टल के साथ जो है चलती रहती है और बहुत प्यार करती है। ये देखो शी इज़ वेरी केयरफुल, ये मेरे टर्टल का ध्यान रखती है, इतने सारे लोग हैं मेरे टर्टल का ध्यान रखने के लिए, और मतलब इसलिए मैं छत पे उसे खुला छोड़ देता हूँ, और थैंक्स टू हर की ये बहुत ही मतलब संभाल के रखती है। क्या कहना चाहोगे कछुए के बारे में? ये तो बहुत प्यारा है और इसकी ब्रीड भी बहुत अच्छी है। मतलब पता है कौन सी स्पीशी का है? पंक्चुरा टेंटोरिया, ये बहुत रेयर होते हैं। पंक्चुरा टेंटोरिया, पंक्चुरिया नहीं। ओके तो प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे यूट्यूब चैनल को, उससे मेरे को पावर भी मिलेगी थोड़ी। चलो ओके भारती फिर। सो आप देख जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो जो मेरा टर्टल है उसकी केयर करते हैं, और मतलब ईगल ईगल वीगल से कोई मतलब उन्हें मतलब बचा लेते हैं मेरा टर्टल को, ठीक है? इसलिए चील वील भी नहीं आती। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और बच्चा है, मतलब मेरा दोस्त है बहुत ही अच्छा। ओके सो हियर इज हर्षित एंड मतलब जो ये जो मेरा टर्टल है ना कभी भी इनसे अफ्रेड नहीं होता, डरता नहीं है, इसको बहुत ही पीसफुली रखते हैं सब बच्चे ना। ये देखो कितना अभी मज़े में मज़ा, ओह ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फैन या फिर हीरो। इसके पास कितने बच्चे, अभी भी बहुत बच्चे, बहुत केयर करते हैं, बहुत मतलब इसे बास्किंग मिलती है, सारी केयर मिल रही है, सही है बिल्कुल ही। यहाँ पे देख सकते हैं, सो हर्षित वना गो ऑन टेरिस, छत पे जाना है। ओके सो वी आर नाउ गोइंग, और हम इसे बास्किंग करवा रहे हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टर्टल है उसकी फुल केयर हो रही है ईगल्स और सबकी सेफ्टी से, बर्ड से, और देख सकते हो कितना मतलब हेल्दी है इस टाइम। देख सकते हो कितनी ज़्यादा केयर है मेरे टर्टल की, वो खूब धूप पे घूमता है, खूब मज़े करता है। ये देखो मतलब मैं आपकी छत अपनी छत का ना ओवरव्यू दिखाता हूँ, कितनी मतलब हैप्पीनेस मिलती है इसको। ये देखो मैं दिखाता हूँ, सब जगह धूप ही धूप, बच्चे ही बच्चे। ये देखो हर्षित से हेलो। सो प्लीज़ सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि यार अगर तुम सपोर्ट करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ एक और बात कि अगर तुम मेरे को सपोर्ट करोगे ना तो उल्टी बात ये होगी कि किसी का कछुए मर ना जाए, इसलिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ये देखो इसे बहुत ही अभी बास्किंग मिल रही है, और देख सकते हैं आप कितनी मतलब
सनलाइट आ रही है, हेल्दी सनलाइट आ रही है, देखो। सो ऑल थिंग इज ओके नाउ। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा पत्थर सा तैयार करें इसके लिए, पत्थर वाला एरिया थोड़ा तैयार करें कछुए के लिए। आ जाओ, तो पहले स्टोन्स निकाल लेते हैं। सो अब हम इसके लिए पत्थर जैसा कोई गार्डन टाइप या फिर एरिया ना तैयार कर रहे हैं, और फिर देखते हैं इसको कितना मज़ा आएगा कितना नहीं आएगा मज़ा। सो वी आर हेयर, और ये भी मेरे सब्सक्राइबर है जो सामने भैया दिख रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप, कैसा चैनल है? तो मतलब सही चल रहे हैं सब, मतलब अभी तक तो मेरी वीडियोस, और प्लीज़ सपोर्ट करो। चलो अब हम बनाते हैं एक एरिया पत्थर वाला। सो यहाँ पे हर्षित ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है, क्यों? तो अभी तो हमने इसे छाया में रख रखे हैं इसके सारे स्टोन्स, और अब देखते हैं इसका क्या मूड रहेगा। तो अभी तक तो ऐसे मज़ा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छाया में आराम से बैठा हुआ है, खूब मज़े कर रहे हैं ये देखिए। और बाकी जब ये स्टोन्स इसके मतलब सारे पास होते हैं ना, तो इसको बहुत ही अच्छा मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब वाइल्ड एनवायरनमेंट में आ चुका है पूरा, मतलब इसे मैंने वाइल्ड ही बना रखा है, ये घूमता रहता है, अपनी मर्जी का मालिक है। सो प्लीज़ माई सपोर्ट माई चैनल, क्योंकि अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, 9 सब्सक्राइबर है फिर, जैसे कि आप जानते हैं। यहाँ पे हर्षित कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे साथ बहुत ज़्यादा, और ये और यहाँ पे हमारा राइडर आ रहा है। प्लीज़ मेरे कछुए को हार्म मत करना, ओके। और यहाँ पे जो मेरा कछुआ है पत्थरों को त्याग के धूप में जाने वाला है, वो देख सकते हैं आप। लेट्स सी कि इसका भी मूड क्या, क्यों हर्षित? सो अभी मैंने अपना ट्राइपॉड या फिर गोप्रो कुछ भी एक्टिवेट नहीं कर रखा, अभी सिर्फ मैं फ़ोन से बना लो वीडियो। तो यहाँ पे अब वो मतलब क्यों, क्या कहना चाहोगे? दोनों मूड में डिपेंड करते हैं ना इसके। यस, ये भी बोला, राइडर भी बोला। तो यहाँ पे अभी धूप में जाना चाह रहे हैं, ये अपने मूड से हमेशा जाने देते हैं। धूप में जाना चाहता है धूप में जाने देते हैं, छाया में जाना चाहता है छाया में जाने देते हैं। ये देखो अबे प्रॉपरली धूप में आ चुका है, ये देखो अबे नीचे घुसेगा।